दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में 80% से अधिक प्राप्तांक बच्चों की राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई लोग शामिल होंगे। इसी की जानकारी देते हुए पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि परिजन अपने बच्चों को इतना मेहनत से पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को सम्मानित करने का काम किसी संस्था ने अभी तक नहीं किया। वहीं हम लोगों ने इस पर विचार कर बच्चों की उज्जवल भविष्य को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। और सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। ये नेशनल लेवल पे प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन 2011 से लगातार हो रहा है और अभी तक लाखों बच्चों को जो 10th एंड 12th पास करते हैं उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा था। पहली बार झारखंड में झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे जी के नेतृत्व में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को आगामी 8 अगस्त को ताना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में सम्मानित किया जाएगा, उन बच्चों को जिन्होंने 80% से ऊपर मार्क्स लाया है। चूँकि पेरेंट्स नर्सरी से लेकर 10th तक 12th तक पढ़ाते हैं और लगातार पूरी अपनी क्षमता लगा करके उन बच्चों को पढ़ा करके अच्छा मार्क्स लाने का काम कराते हैं, लेकिन उन बच्चों को सम्मानित करने का काम कोई भी संस्था नहीं किया करती थी। तो जब से एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम रखा है तो पेरेंट्स के अंदर में एक अपने आप में एक बहुत ही खुशी का माहौल होता है, उनको ये संतुष्ट अपने आप को होते हैं कि उन्होंने जो 10 साल 12 साल बच्चों को पढ़ाया तो उसका वो रिज़ल्ट है। और ख़ास करके एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ 5,000 10,000 बच्चे हों और उनके पेरेंट्स हों और वहाँ पे उनके बच्चों को मंच पे बुला के जब सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया जाता है तो अपने आप को वो बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो इसी कड़ी में जो झारखंड में ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है, आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को अवगत कराना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे ने इस कोरोना काल में जो पिछले 2 वर्षों से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई उसके बावजूद भी बच्चे ने मेहनत किया, पेरेंट्स से उनके साथ कदम से कदम मिला के उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और साथ ही साथ जो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं कोरोना में उनको कहीं से कोई मदद नहीं मिली, उसके बावजूद भी ख़ास करके प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स काफ़ी परेशान रहे, प्राइवेट स्कूल भी परेशान रहे और उससे जुड़े सभी लोग परेशान रहे, लेकिन जो अपना जो कर्तव्य था प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का, जो लगातार देश के स्तर पे और विभिन्न राज्य के स्तर पे स्कूल को कैसे सपोर्ट किया जाए, टीचर्स को कैसे सपोर्ट किया जाए और बच्चों को कैसे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, इसका लगातार एसोसिएशन ने गाइडलाइन दिया, जिसके फलस्वरूप अभी जो रिज़ल्ट आया है ख़ास करके CBSE का और ICSE का जो रिज़ल्ट आया है पूरे देश के स्तर पे, वो पहली बार इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि बहुत कम संख्या में बच्चे फेल हुए हैं और बहुत कम संख्या में बच्चों को कम मार्क्स आया है। तो ये दर्शाता है कि प्राइवेट स्कूल्स के संचालक और टीचर कितने गंभीर थे इस चीज़ को लेकर करके। टैक बोर्ड, CBSE, ICSE तीनों बोर्ड के बच्चे 10th और 12th के जो टॉपर्स हैं और साथ ही साथ 80% से ऊपर जिन्होंने मार्क्स लाया है, ऐसे सभी बच्चों को हम लोग सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात किया था, उन्होंने भी कहा था कि हम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगातार वो कहते रहे थे। कोरोना काल में आपको याद होगा कि अकेला पासवा थी जिन्होंने एजुकेशन की बात किया, आज इस हमारे समाज में बहुत मुश्किल हो गई, तो शिक्षा मंत्री जी बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम रांची में 8 तारीख को आ जाएंगे, कल भी, आज तो दिल्ली में है लेकिन कल रात तक आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे। हमारे जो पासवा के अभिभावक हैं आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी वो मौजूद रहेंगे, मिथिलेश ठाकुर जी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री वो भी रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी मौजूद रहेंगे। 200 रांची के और राज्य के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स रहेंगे और सरकारी विद्यालयों के जैक के जो बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अनिल कुमार महतो जी, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात किया है,
डॉक्टर विनोद सिंह जो उपाध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात किया है, उनको भी इन्वाइट किया है हम लोगों ने। और पासवा या इस राज्य में एजुकेशन की बात, हमारा मुख्य उद्देश्य है एजुकेशन फॉर एवरीवन। आपके माध्यम से राज्य के अभिभावकों से हम अनुरोध करते हैं कि इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल के आप साक्षी बने। और जैसा हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश का और इस राज्य का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, और ये एक एक संदेश लेकर बच्चे और अभिभावक यहाँ से जाएंगे कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे उनको किस प्रकार सम्मानित किया जा सकता है, मेडल से, सर्टिफिकेट से। और भी हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं कि जो हमारे टॉपर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम कुछ और भी उपलब्ध करा सकें, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की ओर से किया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।